जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं समस्तीपुर में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हो गया है। यहां की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता मंटुन ने। 24 घंटे से लगातार हो रही वर्षा से जो है जल जमाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। और हम अभी एक विद्यालय राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में अवस्थित है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टीचर्स हैं वहाँ उनकी गाड़ी में परेशानी होती है। पूरा जो स्कूल कैंपस है उसमें जल जमाव की स्थिति है और ठीक इसके सामने आप देख सकते हैं नगर परिषद जो है परिषद कार्यालय में बारिश आती है तो ऐसा लगातार स्थिति बनती है या कुछ व्यवस्था ज़्यादा बारिश होती है तो नाले का पानी पूरा अंदर आकर के जम जाता है। जबकि अभी कलेक्ट्रेट का भी निर्वाचन संबंधी सारा काम हो रहा है, पूरे प्रशासन के लोग आना जाना करते हैं लेकिन कहाँ कोई व्यवस्था तो नहीं हो रही है, पानी पूरा लगा हुआ है। ये मतलब जब पहली बार बारिश है ऐसा है कि लगातार ऐसा होता है? नहीं, हर साल जब कभी भी ज़्यादा बारिश होती है तब। आप लोग इसका शिकायत करते हैं? अक्सर हम मीडिया लोग आते हैं आकर के देख करके फोटो खींच ले आते हैं, पेपर में भी निकलता है। तो इनका कहना है कि जो भी यहाँ जिला कलेक्ट्रेट से जो भी आते हैं वो इन लोग शिकायत करते हैं लेकिन उसके बावजूद तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अब देखना है कि जिला प्रशासन जो है क्या कदम उठाती है। समस्तीपुर से तस्वीर मंटुन कुमार। लगातार